नैना और चित्रा दोनों थी तो सगी बहनें, पर उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। नैना ईश्वर में आस्था रखने वाली माँ वैष्णो की भक्त थी और सदैव वैष्णो माँ के नाम का ही गुणगान किया करती थी। नैना जन्म से ही नेत्रहीन थी, उसकी आंखों की रोशनी नहीं थी, पर फिर भी वो इस बात के लिए किसी को कोई दोष नहीं देती थी। वही चित्रा पूरी तरह नास्तिक स्वभाव की थी, वो ईश्वर में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती थी। वो तो नैना को वैष्णो माँ की पूजा करने पर भी टोकती रहती थी, पर चित्रा नैना की छोटी बहन थी इसलिए नैना उसे कभी भी कुछ नहीं कहती थी। जय वैष्णो मैया की, माँ ये लो प्रसाद, चित्रा ये ले प्रसाद तू भी ले। अरे वाह बूंदी का लड्डू, ला फिर तो दे, और ये मत समझना मैंने ये प्रसाद के रूप में लिया है, वो तो मुझे जोरों की भूख लगी थी इसलिए ये लड्डू ले लिया। और जो तू सारा दिन अपनी माँ वैष्णो का नाम लेती है, उन्होंने आखिर तेरे साथ अच्छा क्या किया है? पैदा होते ही तेरी आंखों की रोशनी चली गई, तूने आज तक अपनी माँ वैष्णो को देखा ही नहीं, फिर भी इतना विश्वास क्यों? पता नहीं चित्रा, मैंने माँ वैष्णो को अपने मन की आंखों से देखा है और रोजाना ही मैं उस स्वरूप के दर्शन करती हूँ। अभी नैना और चित्रा आपस में बातें ही कर रही थी कि नैना बेटी, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ, ये देखो वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा की तुम्हारी बरसों की इच्छा पूरी होने वाली है। जम्मू की रेलवे टिकट बुक हो गई है, अगले सोमवार ही जाना है। सच पिताजी, मैं माँ वैष्णो देवी के दर्शनों को जाऊंगी, आप नहीं जानते मैं आज कितनी खुश हूँ पिताजी। सुना है जब माँ वैष्णो की इच्छा होती है तभी वो अपने भक्त को बुलाती है, और नैना के भाग्य से ये सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। क्या हम सबको वैष्णो देवी यात्रा पर जाना होगा? पर मैंने तो सुना है कटरे से भवन तक की बहुत ऊंची चढ़ाई है, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं चढ़ाई चढ़कर भवन तक जाऊं। अरे पहले वहां पहुंच जाते हैं फिर देखेंगे। मुझे समझ नहीं आता, अगर घर में मंदिर है तो इतनी दूर दर्शन करने जाने की क्या जरूरत है, अब इसके चक्कर में हमें भी जाना पड़ेगा। नैना तो बस अपनी माता रानी के दरबार माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए व्याकुल हो रही थी। और सब लोग ट्रेन से जम्मू पहुँचते हैं। अब यहाँ से कटरा तक टैक्सी करनी होगी, फिर चढ़ाई शुरू होगी। ओहो पिताजी, ये यात्रा तो बहुत लंबी है। चित्रा, माँ वैष्णो का नाम लोगी तो ये यात्रा कब पूरी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। सब लोग वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करते हैं। माँ मैं नंगे पांव चढ़ाई चढ़ना चाहती हूँ, मेरी इच्छा है। नैना तू नंगे पैर चढ़ाई करेगी? बाप रे हिम्मत है तुझ में। एक काम करो जी, आप भी ज्यादा देर चल नहीं पाओगे, आप और चित्रा भवन तक घोड़ा कर लो। ठीक है सुषमा, तुम दोनों भी आराम आराम से पैदल यात्रा करते हुए आ जाओ, हम बीच बीच में अपना घोड़ा रोक लेंगे ताकि तुम दोनों भी साथ साथ चलती रह। चलो चित्रा बेटी। चित्रा और मनोहर घोड़े पर यात्रा शुरू कर देते हैं और नैना अपनी माँ सुषमा के साथ पैदल यात्रा शुरू करती है। नैना माँ वैष्णो का नाम लेकर अपनी माँ का हाथ पकड़कर यात्रा कर रही थी, उधर चित्रा और मनोहर थोड़ा आगे निकल गए थे। आगे पहुँचने पर मनोहर चित्रा से कहता है, चित्रा मेरी ब्लड प्रेशर की गोली तुम्हारे बैग में थी, जरा देना। अरे पिताजी की ब्लड प्रेशर की दवाई तो मैं घर ही भूल आई, अब क्या करूँ? क्या हुआ चित्रा, दवाई मिली क्या? पता नहीं पसीने आ रहे हैं और बेचैनी भी हो रही है, मुझे लग रहा है मेरा बीपी बढ़ रहा है, आज दवाई नहीं खाई ना तो सिर भारी हो रहा है। भैया यहाँ आसपास कोई दवाई की दुकान होगी? अभी तो अर्धकुंवारी दूर है, यहाँ आसपास तो कोई दवाई की दुकान नहीं है, वहीं पर मिलेगी दवाई तो। भैया घोड़ा कुछ देर यहाँ रोक दो, बहुत बेचैनी हो रही है। क्या करूँ यहाँ आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं है, गलती मेरी ही है, मैं दवाई पर्स में रखना भूल गई। पिताजी पिताजी क्या हो रहा है आपको? सीने में घबराहट बढ़ रही है। आप दोनों यहीं रुकिए, हम दोनों आगे किसी से मदद लेकर आते हैं। मनोहर की तबीयत बिगड़ने लगी थी, चित्रा रोने लगती है, माँ का फोन भी नहीं मिल रहा। कोई फैमिली डॉक्टर भी फोन नहीं उठा रहे। तभी एक छोटी सी सुंदर सी लाल जोड़े में एक बच्ची शेर पर बैठकर वहां आती है। चित्रा शेर को देखकर डर जाती है। डरो नहीं, ये शेर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम ये दवाई ही ढूंढ रही थी ना, ये लो अपने पिताजी को खिला दो, उन्हें कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। पर ये दवाई तुम्हारे पास कैसे आई? वो
रास्ते में तुम्हारी बहन नैना ने मुझे पकड़ा दी। वो बोली कि ये तुम्हारे पिताजी की दवाई उसके पास थी, उन्हें पैदल पहुंचने में समय लगता। वो बोली मेरे पास शेर की सवारी है तो मैं जल्दी तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। अब देर ना करो, अपने पिताजी को ये दवाई जल्दी से खिला दो, वो होश में आ जाएंगे। चित्रा उस मासूम बच्ची को देखती रहती है। वो बच्ची मनोहर के सिर पर हाथ रखकर मानो अपना आशीर्वाद देकर शेर पर बैठी और कुछ ही पलों में गायब हो गई। चित्रा मनोहर को दवाई खिलाती है। मनोहर उठ बैठता है। पिताजी आप ठीक तो हैं? चित्रा अभी यहाँ कौन आया था? इतनी देर में वो घोड़े वाले भी खाली हाथ लौट आते हैं। नैना और सुषमा भी आ जाती हैं। वो जब मनोहर और चित्रा से वहाँ रुकने का कारण पूछती हैं, तब चित्रा पूरी बात बताती है। नैना ये तो अच्छा हुआ तूने उस बच्ची को समय पर दवाई देकर भेज दिया। बच्ची एक जादुई शेर पर बैठकर आई और दवाई देकर एकदम से गायब हो गई। मैम साहब आपकी बातों से तो लग रहा है कि स्वयं माँ वैष्णो देवी अपने शेर पर सवार होकर सहायता के लिए आई थी। ये तो चमत्कार हो गया। चित्रा मैंने कोई दवाई नहीं भेजी और पिताजी की कोई दवाई मेरे पास थी ही नहीं। फिर वो लाल जोड़े में सजी प्यारी सी बच्ची शेर की सवारी वाली कौन थी? क्या सचमुच वो माँ वैष्णो देवी थी? माँ वैष्णो आपने मेरे पिताजी को बचा लिया, आपका लाख लाख शुक्रिया माँ। जयकारा शेरा वालिदा। हे माँ वैष्णो रानी आपकी सदा ही जय हो। सब लोग मिलकर माँ वैष्णो के नाम का जयकारा लगाते हैं, पर चित्रा को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब लोग माँ वैष्णो के भवन पर पहुँचते हैं और दर्शन करते हैं। नैना आंखें बंद करके माँ वैष्णो से कहती है, माँ यदि मैंने सच्चे हृदय से आपका ही ध्यान किया है तो हे माँ वैष्णो देवी मेरे नैनो को नूर बख्शो, मेरे नैनो को नूर बख्शो माँ, ताकि मैं आपके साक्षात दर्शन कर सकूं। सब लोग हाथ जोड़कर वैष्णो देवी के दरबार में प्रार्थना कर रहे होते हैं। तभी एक रोशनी प्रकट होती है और नैना की आंखों पर पड़ती है। माँ वैष्णो शेर पर सवार होकर नैना के सामने साक्षात प्रकट होती है और उसे दर्शन देती है। नैना तुम मेरे दर्शन करना चाहती थी ना? देखो तुम मुझे देख सकती हो। माँ माँ वैष्णो मैं आपको देख सकती हूँ। आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई माँ, मेरी आंखों को आपने ज्योति दे दी माँ। माँ मेरे परिवार को भी दर्शन देकर धन्य कीजिए माँ, धन्य कीजिए माँ। वैष्णो माता नैना के साथ साथ उसके माता पिता और चित्रा को भी दिखाई देती है। चित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो माँ वैष्णो देवी के चरणों में शीश झुका देती है। माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं आपकी महिमा को नहीं समझ पाई। आपने मेरे पिता की रक्षा की, मेरी बहन को आंखों की रोशनी दे दी। मैं हमेशा से नास्तिक थी, आपका नाम कभी नहीं लिया, पर आज मेरी आंखें खुल गई। आप बहुत दयालु हो माँ, आपके दरबार से कोई भी भक्त खाली झोली नहीं जाता है, ये बात मैंने भी मान ली माँ, मैंने भी मान ली। और सब मिलकर माँ वैष्णो के नाम का जयकारा लगाते हैं और खुशियों से झोली भरकर घर लौटते हैं। ये कहानी है प्रेरणा और रिंकू की, जो अपनी माँ केतकी और पिता महेश के साथ खुशी खुशी रहते थे। पर एक दिन ऐसी घटना घटी कि पूरा परिवार तितर बितर हो गया। पूरा गांव नदी में आई बाढ़ में बह गया, जिसमें महेश और केतकी भी खो गए। प्रेरणा और रिंकू दोनों बाढ़ के पानी में बहते रहे। तभी आओ बच्चों मेरी नाव में आ जाओ, मैं तुम्हें किनारे पर छोड़ देती हूँ। तुम्हारे माता पिता कहाँ गए? प्रेरणा और रिंकू नाव में बैठ जाते हैं और उस औरत को सारी बात बताते हैं। वो औरत उन्हें खाने का सामान देती है। तभी वो औरत मन में सोचती है, क्यों ना मैं इन बच्चों को अपनी बेटी सुजाता के घर छोड़ दूं? वो अकेली घर के काम में लगी रहती है, उसे घर का काम करने के लिए दो नौकर मिल जाएंगे। प्रेरणा और रिंकू को वो औरत दूसरे गांव ले आती है। बच्चों देखो हम गांव पहुंच गए, तुम दोनों बिल्कुल अकेले हो, मैं तुम्हें इधर उधर नहीं भटकने देना चाहती। यहां गांव में मेरी बेटी सुजाता रहती है, आज से तुम दोनों उसी के घर में रहोगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नानी माँ। रिंकू हम इन नानी माँ के साथ चलते हैं। वो औरत जिसका नाम कौशल्या था, चालाकी से प्रेरणा और रिंकू को अपनी बेटी सुजाता के घर ले जाती है। माँ ये दोनों बच्चे कौन है? कौशल्या सुजाता को कमरे में ले जाती है। अरे ये दोनों बच्चे अनाथ हैं, मैं तेरी देखभाल के लिए लाई हूँ, अब तू इनसे ही सारे काम करवाना और एक वक्त की रोटी दे देना, पड़े रहेंगे किसी कोने में। माँ तुम देखने में तो बड़ी भोली भाली हो, पर हो मेरी ही माँ। अच्छा फसाया इन चूजों को।
कौशल्या बच्चों को छोड़कर अपने घर वापस चली जाती है। सुजाता प्रेरणा और रिंकू से घर का काम करवाती थी। बेचारे बच्चे कुछ बोल नहीं पाते थे। एक दिन सुजाता का पति किशन बोला, सुजाता पहले तो तुम्हारी माँ इन मासूम अनाथ बच्चों को बहाने से अपने साथ यहाँ लाई और तुम इनसे सारा घर का काम करवाती हो, थोड़ा तो भगवान से डरो। तुम अपने काम से काम रखो, बीच में मत पड़ो। पता नहीं ये दोनों अभी तक लौटे क्यों नहीं, बाजार गए तो इन दोनों को बहुत देर हो गई। सुजाता प्रेरणा और रिंकू को बाजार से सामान लेने भेजती है। वो दोनों सामान ले ही रहे होते हैं तभी उन दोनों को एक सजा हुआ पंडाल दिखाई देता है। प्रेरणा और रिंकू उस पंडाल के अंदर चले जाते हैं। ये लो बच्चों, माता रानी का प्रसाद। अंकल आज कोई त्योहार है क्या, यहाँ पंडाल क्यों सजा हुआ है? बच्चों आज से माँ दुर्गा का नवरात्रि उत्सव आरंभ है जो 9 दिन तक चलेगा। अंकल हमें ये प्रसाद रोजाना मिलेगा? हाँ बेटा, ये पंडाल 9 दिन तक सजा रहेगा और यहाँ पर माँ दुर्गा की पूजा और आरती की जाएगी। दीदी तुम्हें याद है माँ और बाबूजी भी नवरात्रि व्रत रखते थे और नवमी पूजन में हम पूरी हलवा चने का प्रसाद खाते थे। हाँ रिंकू, और माँ कहती थी कि जिनकी माँ नहीं होती उनकी दुर्गा माता माँ होती है। हम रोजाना इस पंडाल में इनकी पूजा करने आएंगे। प्रेरणा और रिंकू खुशी खुशी घर जाते हैं पर घर पहुँचते ही सुजाता का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। कहाँ थे अब तक तुम दोनों? मेरी माँ तुम्हें इसलिए यहाँ नहीं छोड़ गई कि तुम दोनों भाई बहन मुफ्त की रोटियाँ तोड़ो। अगर एक काम में ही घंटों लगा दोगे तो पूरा दिन घर का काम कौन करेगा? अब तुम दोनों को पूरे दिन खाने में सिर्फ एक रोटी मिलेगी। चलो जाओ काम करो। दीदी सुजाता आंटी बहुत गंदी हैं। उन्होंने बोला था वो हमें माँ की तरह प्यार करेंगी पर वो हमें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। कोई बात नहीं रिंकू, हम रोजाना माँ दुर्गा के पास जाएंगे और उनकी पूजा करेंगे, वो हमें माँ का प्यार जरूर देंगी। प्रेरणा और रिंकू रोजाना चुपचाप पंडाल में माँ दुर्गा की पूजा करने जाने लगे। सुजाता उन दोनों को भूखा रखती थी मगर पंडाल में मिले भंडारे को खाकर प्रेरणा और रिंकू अपनी भूख मिटा लेते थे। एक दिन, ये तुम दोनों रोजाना कहाँ जाने लगे हो? आंटी वो हम माँ दुर्गा के पंडाल में नवरात्रि पूजन के लिए जाते हैं। क्या नवरात्रि पूजन? अच्छा तभी मैं कहूँ घर की साफ सफाई इतने गंदे तरीके से क्यों हो रही है और आजकल जल्दी जल्दी काम कैसे खत्म हो जाता है। बहुत हो गई नवरात्रि पूजा, तुम अनाथ बच्चों की नवरात्रि पूजा तो मैं करवाती हूँ। आज से कहीं भी आना जाना बंद, अब से 2 दिन तक एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा और चुपचाप सारा काम करोगे। किशन भी दूसरे गांव गया हुआ था वरना सुजाता ऐसी हरकत ना करती। बेचारी प्रेरणा और रिंकू भूखे प्यासे रोते हुए घर का काम करते रहते हैं। दीदी तुम तो कहती थी कि दुर्गा माँ चमत्कार करती हैं, वो हमारी मदद क्यों नहीं कर रही हैं दीदी? रिंकू नवरात्रि उत्सव है इसलिए माँ दुर्गा के दरबार में बहुत सारे भक्तों की भीड़ लगी होगी, हो सकता है उन भक्तों की इच्छा को पूरा करके वो हमारी मदद करे। नादान मासूम बच्चे दुर्गा माँ को याद करते हैं और फिर से काम करने लगते हैं। रिंकू सुजाता के पास रसोई में जाता है। आंटी बहुत प्यास लगी है, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। कोई पानी रोटी कुछ नहीं मिलेगा, जा यहाँ से। रिंकू वहाँ से चला जाता है तभी आहा, गर्मा गर्म हलवा और पूरी खाने का अलग ही मजा है। जल्दी जल्दी खा लेती हूँ वरना इन भूखे भाई बहनों की नजर लग जाएगी। आई माँ बचाओ मैं मर गई। सुजाता के हाथों पर गर्म तेल की कढ़ाई गिर जाती है, वो दर्द से चिल्ला पड़ती है। प्रेरणा और रिंकू भागे भागे आते हैं। सुजाता आंटी क्या हुआ? अरे ये गर्म तेल आपके हाथों पर कैसे गिर गया? कोई डॉक्टर को बुलाओ, मेरे हाथों में वो बहुत जलन हो रही है। आंटी मैं पड़ोस वाले डॉक्टर अंकल को बुला कर लाती हूँ। प्रेरणा डॉक्टर को लेकर आती है। डॉक्टर मरहम पट्टी कर देता है और दवाइयाँ दे जाता है। प्रेरणा और रिंकू सुजाता की बहुत देखभाल करते हैं। सुजाता ये सब देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। 2 दिन बाद नवमी का पूजन था। किशन भी वापस आ जाता है। सुजाता बच्चों से बोली, प्रेरणा रिंकू बच्चों तुम मुझे बता रहे थे कि आज नवरात्रि की समाप्ति का दिन है, नवरात्रि उत्सव के लिए जो पंडाल सजा हुआ है क्या हम सब मिलकर दर्शन करने के लिए चलें? हाँ सुजाता आंटी आप मंदिर जाओगे तो देखना, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके हाथ भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। सब मिलकर पंडाल में जाते हैं। पंडाल में डांडिया नृत्य का भी आयोजन होता है। तभी किसी पर रिंकू की नजर पड़ती है। दीदी वो देखो सामने माँ बापू खड़े हैं। कहाँ रिंकू? हाँ ये तो माँ बापू हैं। सुजाता आंटी महेश अंकल वो देखो हमारे माँ बापू।
प्रेरणा और रिंकू दौड़ते हुए अपने माँ बापों से लिपट जाते हैं। केतकी और किशन भी दोनों बच्चों को देख रो पड़ते हैं। मेरे बच्चों, हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, हमारी तो उम्मीद ही खत्म हो गई थी। बच्चों, तुम्हें ढूंढते ढूंढते हम इस पंडाल में आ गए और माँ दुर्गा के सामने विनती करने लगे। हे माँ शेरावाली, आपने हमारे बच्चों से हमें मिला दिया, आपकी जय हो। प्रेरणा और रिंकू अपने माता पिता से सुजाता और महेश को मिलवाते हैं। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से प्रेरणा और रिंकू को अपने माता पिता वापस मिल गए थे। नवरात्रि उत्सव में माता पिता के वापस मिल जाने से प्रेरणा और रिंकू की खुशियां वापस लौट आई थी। कुछ समय बाद सुजाता भी एक बच्चे को जन्म देती है। शायद प्रेरणा और रिंकू के साथ उसके अच्छे व्यवहार के कारण माँ दुर्गा ने उसकी झोली भी खुशियों से भर दी थी।